ये पूरे देश का मामला था, पूरा देश शर्मसार होता रहा होता रहा होता रहा और ये संख्या पहुंच गई 100 से ज्यादा। और ये मामला बिहार के मुजफ्फरपुर का है। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और मैं हूं सचिन, लेकर आया हूं देश का सवाल। आज सवाल यह है कि मुजफ्फरपुर के उन दरिंदों का क्या, उनको किसने संरक्षण दिया जिन्होंने 100 से ज्यादा बेटियों को नौकरी का झांसा दिया, शिकार बनाया, अत्याचार की सारी हदें पार कर दी, फर्जी कंपनियां बनाकर सोशल मीडिया के जरिए मोटी सैलरी का ऑफर दिया, मुजफ्फरपुर बुलाकर लड़कियों को बंधक बनाया, विरोध किया तो बेल्ट से पीटा, कई लड़कियों का रेप हुआ, अबॉर्शन हुआ। इतने संगीन आरोपों के बावजूद बिहार की पुलिस ने कुछ नहीं किया। हालांकि कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस एक्शन में आई और मुकदमा दर्ज कर एक आरोपी को दबोच लिया। लेकिन अब मुजफ्फरपुर कांड को लेकर सियासत गर्मा गई है। आरजेडी ने आरोप लगाया कि बिहार में बेटियां सुरक्षित नहीं है, बेटियों पर अत्याचार करने वाले आरोपियों को राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है तो सरकार सख्त कार्रवाई का भरोसा दे रही है। लेकिन सवाल यह है कि बिहार में बेटियों से अत्याचार के कितने गुनहगार हैं? इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे, क्योंकि बात ये बिहार की नहीं है, ये सवाल देश का है। पहले रिपोर्ट। हैवानियत की सारी हदें पार हो गई, इंसानियत शर्मसार हो गई, बेटियों की बेल्ट से पिटाई हुई, नौकरी का झांसा देकर उन्हें बंधक बनाया गया, यातना दी गई, रेप हुआ, सिगरेट से दागा गया। बिहार के मुजफ्फरपुर में ये सब सिर्फ एक बेटी के साथ नहीं हुआ, बल्कि 100 से ज्यादा लड़कियां इस गैंग का शिकार हुई। ये गैंग चंद हजार रुपयों की नौकरी के नाम पर सोशल मीडिया के जरिए लड़कियों को फंसाता था, बिहार के मुजफ्फरपुर बुलाता था, फिर शुरू होता था दरिंदगी का वो खेल जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप उठे। काम को लेकर के बुलाया गया था यहाँ पे और नौकरी के नाम पे बुलाया गया था, क्योंकि मेरी सिस्टर जो थी वो फॉर्म अप्लाई कर रहे थे डिफेंस लाइन में, या चाहे जो भी मतलब जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे, क्योंकि हम लोग नॉर्मल फैमिली से हैं, तो उसको लेकर के वहाँ फेसबुक के माध्यम से जरिए हुआ कॉन्टेक्ट हुआ था उससे और यहाँ पे आई वो। उसके बाद लगभग 2-3 मंथ उसको सैलरी नहीं दिया गया, तो बोले आखिर सैलरी क्यों नहीं दिया जा रहा है, मॉर्निंग मतलब क्लास चलाता है लोग ये लोग और मतलब बोलता लोग आदमी बुलाने के लिए, मोटिवेट करना सिखाता है लोग। फिर 2-3 महीना सैलरी नहीं मिला तो बोला लोग लगभग 50-55 लोगों की टीम बनाओ तब जा करके तुमको शेयर होल्डर बनाया जाएगा इस ब्रांच में, लगभग 45-50 हज़ार रुपये तुम मंथली कमाओगे। बट वो सब कुछ भी नहीं हुआ जी, मारपीट का भी हुआ प्लस हम कैसे बोल सकते हैं वैसे गंदा बात मतलब आप समझ ही सकते हैं, मतलब बहुत शादी वादी भी किया गया, जबरदस्ती करवाया गया जबकि हम अर्जेंट में हम नहीं थे वहाँ पे। हैवानियत के इस खेल का खुलासा तब हुआ जब एक पीड़िता दरिंदों के चंगुल से छूटकर किसी तरह भाग निकली, पुलिस के सामने आपबीती सुनाई और एक्शन की गुहार लगाई। हैरान करने वाली बात यह है कि इतने संगीन आरोपों में भी पुलिस ने लापरवाही बरती, पीड़िता के बयान पर एक्शन की बजाय उसकी आवाज दबाने की कोशिश की। नीतीश की पुलिस ने फौरन कोई एक्शन नहीं लिया, थक हार कर पीड़िता ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, तब मुकदमा दर्ज हुआ। कोर्ट के निर्देश के बाद पुलिस महकमा एक्शन में आया और मुख्य आरोपी तिलक सिंह को बिहार पुलिस ने गोरखपुर से दबोच लिया। लड़की के द्वारा 2 जून को कोर्ट कंप्लेन के माध्यम से FIR दर्ज कराया, जिसमें एक दूसरा एक एक्यूज पे उन्होंने आरोप लगाया कि उसके द्वारा शारीरिक शोषण किया गया है और मारपीट और प्रताड़ना की गई है। तो हम लोगों ने FIR दर्ज किया है और हम लोगों ने उस लड़के की जिसका नाम तिलक है उसकी हम लोगों ने गिरफ्तारी की है और हम लोग इसमें बाकी सारे बिंदुओं पर अभी जाँच कर रहे हैं। मुख्य आरोपी तिलक सिंह बिहार पुलिस के शिकंजे में है, उससे पूछताछ हो रही है, कितनी लड़कियों को उसने अपने जाल में फंसाया इसकी पड़ताल हो रही है, बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस दबिश दे रही है। लेकिन इन सब के बीच सवाल है, आखिर इस शैतान कंपनी को कौन संरक्षण दे रहा था, आरोपियों पर कौन मेहरबान था? ये हमेशा होता रहेगा, हमारे यहाँ ऐसे कोई कुछ पॉलिटिकल लोग हैं जो सप्लाई का काम करते हैं और कभी सांसद बन जाते हैं, कभी बिहार का मंत्री बन जाते हैं, कभी कुछ बनते हैं, उनका काम ही है यही सप्लाई करना और लड़कियों के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार करना और गलत काम करना, उन्हीं के इशारे पर सब काम होता है। लेकिन
फेसबुक के माध्यम से अपने भ्रमजाल में बच्चों को फंसाता था, और ये सूचना जब मिली तो पुलिस ने कार्रवाई सुनिश्चित किया। 2023 में भी इकोनॉमिक फ्रॉड का मामला आया था, तो 8 या 9 आदमी की गिरफ्तारी भी हुई थी उसमें। इसलिए यह प्रशासन अपनी कार्रवाई कर रहा है, और उसके मुख्य मुजरिम जो हैं वो भी जल्द से जल्द कानून के गिरफ्त में आ जाएं। देखिए, जो भी है जानकारी सरकार के पास आएगी, सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी निश्चित तौर पर। बेटियों से अत्याचार पर गरमाई सियासत के बीच सरकार कार्रवाई का भरोसा दे रही है, सख्त एक्शन की बात कर रही है, लेकिन सवाल है कि तिलक सिंह की शैतानी कंपनी ने कितनी बेटियों को शिकार बनाया, और सवाल ये भी कि बिहार में बेटियों से अत्याचार कब तक। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। ऐसे में देश का सवाल इन बड़े सवालों के साथ कि मुजफ्फरपुर कांड के आरोपियों को संरक्षण किसका है। राजनीति है तो राजनीति कर क्यों रहा है? वहीं शिकायत के बावजूद क्यों सोती रही बिहार सरकार, क्यों एक्शन नहीं हुआ? तीसरा बड़ा सवाल, क्या मुजफ्फरपुर कांड नीतीश सरकार की नाकामी है? सुशासन तो यह बिल्कुल नहीं हो सकता। बेटियों के बाकी गुनहगार आखिरकार कब गिरफ्तार होंगे? ये आप देख सकते हैं ऐसी तस्वीरें जो कि हम आपको दिखा भी नहीं सकते। तमाम मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ मयंक जुड़ेंगे जो कि जेडीयू से, हमारे साथ ज्योति कुमार कांग्रेस से, सारिका पासवान आरजेडी से, सुषमा साहू हैं एनसीडब्ल्यू से, और शशांक शेखर झा हैं जो कि लॉयर हैं। मैं चाहूँगा कि हम इसे पॉलिटिकल ना बनाएं क्योंकि बात इंसाफ की है, लेकिन राजनीति इस पर शुरू हो गई है। मैं आपसे शुरू करना चाहता हूँ सुषमा जी, राजनीति इस पर शुरू हो गई है। हमने यहाँ पर बात करनी थी कि कैसे इंसाफ दिलाएं, कैसे पुलिस सोती रही, कैसे जो है बिहार में पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया, लेकिन राजनीति हो रही है। आरजेडी ने कुछ कहा, कांग्रेस ने कुछ कहा, और कहा कि भैया इस तरीके से जो है बिना संरक्षण के ये हो नहीं सकता था। उस पर मैं आऊँगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये मैम कि आज इंसाफ की लड़ाई कैसे आगे बढ़ाई जाए, इससे शुरुआत करते हैं। सुषमा जी, देखिए, सबसे पहले इंसाफ की लड़ाई की शुरुआत हो चुकी है। एक बच्ची जिसने हिम्मत जुटाई और हिम्मत जुटा करके सारी बच्चियों का संरक्षण किया है। मैं उस बच्ची के लेवल तक भी नहीं जाऊंगी कि उस बच्ची ने उनके साथ जो भी चीज घटनाएं घटी है, जिस तरीके से 2 दिनों से लगातार बातें, रोज नई नई बातें खुल करके आ रही। सबसे बड़ी बात कि जो अपराधी था तिलक सिंह, उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है, और गिरफ्तारी होने के साथ साथ और लोगों पर दबिश बनाने की भी प्रक्रिया चल रही है। लेकिन यहाँ राजनीति से कोई वाबस्ता नहीं होनी चाहिए। ये लड़कियों की इज्जत और आबरू की बात, और इज्जत आबरू से मैंने पहले भी कहा था कि बिना लड़की के इजाजत के उसके नाखून को छूना भी अपराध है, और शरीर की बात तो बहुत दूर की चीज है, क्योंकि आप अगर उसका एक बार अगर उसकी आबरू लुटती है तो ताजीवन वो उसी दंश से मरती रहती है वो औरत, वो लड़की, जिस वो काला समय वो कभी भूल नहीं पाती। आप खाली बस इमेजिन करिए तो रूह कांप जाता है। सबसे बड़ी बात कि न्याय की प्रक्रिया की शिथिलता नहीं होनी चाहिए। न्याय जितनी ज्यादा सक्रियता के साथ और स्पीडी ट्रायल के साथ भी, इन लोगों के लिए बेल शब्द तो होना ही नहीं चाहिए। जैसे आपने शेल्टर में देखा है कि अभी तक उनका बेल भी नहीं हुआ और ये प्रक्रिया बढ़ती चली जा रही है। और जिन लोगों के, मैं फिर कह चुकी हूँ कि स्थानीय कुछ पुलिस के लोग इसमें जरूर मिले रहते हैं, ऊपरी महकमे तक इसकी जानकारी ना हो, मैं फिर कहती हूँ, लेकिन स्थानीय पुलिस की सरगर्मी, उनके साथ उनकी मिली भगत, कुछ ना कुछ लालच के कारण जरूर होता है, अन्यथा उनके क्षेत्र में इस तरह का इतना बड़ा व्यभिचार हो रहा हो संरक्षण के भी तो नहीं पॉसिबल हो सकता ना, ये सुशासन तो नहीं हो सकता। सरकार ठीक है, आरजेडी की भी है, जेडीयू की भी है, कांग्रेस की भी है, बीजेपी की भी है, वो सब कुछ होता है, बेटियां तो लेकिन पूरे राज्य की होती है। देखिए,
नहीं बिल्कुल, आपने जिस तरीके से कहा कि जब बेटियों से जुड़ा हुआ मामला हो, महिलाओं से जुड़ा हुआ मामला हो, तो उसमें राजनीतिकरण तो करनी ही नहीं चाहिए, किसी पार्टी को नहीं करनी चाहिए। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी कि यही मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड के लिए भी बदनाम हुआ था, और जिस तरीके से उस मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड में जो संलिप्तता थी जिन लोगों की, उनके तार जो है ना वो सत्ता से और प्रशासन से डायरेक्टली जुड़े हुए थे, उसका खुलासा भी हुआ था। वही लोग माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के बगल में भी बैठा करते थे, तो ऐसी चीजें हम सबने देखी हैं। तो अब तो देखिए, अगर मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करती हूं, अगर आप मुझसे प्रश्न करेंगे, अगर मैं महिलाओं के पक्ष में या विपक्ष में सरकार के बोलूंगी, तो शायद आपको मेरी बातें लगेंगी कि मैं एक पॉलिटिकल व्यू अपना रख रही हूं। लेकिन मैं, अगर ये इतना सेंसिटिव मामला है कि अगर आप मुझसे पूछें, तो यहां किसी को अपने पॉलिटिकल व्यू रखने की जरूरत नहीं है। ये तो हमारे समाज की बात है, ये तो हमारी बहन और बेटियों की बात है। और जब बहन और बेटियों की अस्मिता लूटी जा रही हो, आप सरेआम वो बच्चियां जिस तरीके से, देखिए आज वीडियो वायरल हो रहा है, किस तरीके से बेल्टों से मारा जा रहा है उनको, जबरन उन्हें जबरदस्ती उनको करवाया जा रहा है काम जो उनकी इच्छा नहीं है, उसके विपरीत उनको जबरदस्ती करवाया जा रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है, लोभ दिखाया जा रहा है, मतलब बहुत सारी चीजें हमने देखी है। तरह तरह के वीडियो अभी सामने आ रहा है और पुलिस वेरिफिकेशन में भी आ रही है। वो पीड़िता जो है वो खुद बाहर आकर उसने इतनी हिम्मत दिखाई और उसने ये बोला, और यही चीज हमने देखी थी मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड के समय, जब छोटी छोटी बच्चियों का बलात्कार हुआ था। क्यों लगता है कि एक तरीके का संरक्षण है, अगर मैं सीधा ही कहूं तो, क्यों आपको ऐसा लगता है? क्योंकि अगर उस वक्त भी, अगर सही हम ये कह सकते हैं, वो जो संरक्षण था उस वक्त भी अगर पकड़ लिया जाता, तो शायद जो है यहाँ पर जो है दूसरा बालिका गृह वाला जैसा जो है ये वारदात सामने ना आती। अगर उस वक्त जो है तगड़ा एक्शन हो जाता, उस वक्त जो दोषियों को ऐसी सजा मिल जाती, उस वक्त जीरो टॉलरेंस हो जाता, तो शायद मुजफ्फरपुर जो है दूसरा जो है वो सामने नहीं आता। तो इसका मतलब ये है ना कि कौन है और उसको क्या फायदा मिलता है? नहीं बिल्कुल, इसमें बिल्कुल इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि ये चीजें सरकार के नाक के नीचे, प्रशासन के नाक के नीचे हो रही हैं, तो बिना उनकी जानकारी के नहीं हो रही होगी। जानकारी तो निश्चित रूप से कुछ लोगों को जरूर होगी, अगर 100 में से 90 लोगों को भी है, 10 लोगों को नहीं। हम नहीं कह सकते कि पूरा पुलिस महकमा जो है वो करप्ट है, पूरी जो सत्ता है वो करप्ट है, लेकिन हो तो रही है उनके नाक के नीचे, और कहीं ना कहीं ये उनकी नेग्लिजेंस की वजह से हो रही है, उनके संरक्षण के अंदर हो रही है। सत्ताधारियों का संरक्षण हो सकता है, जिसकी मैंने आपको बोला संलिप्तता जो है मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड में डायरेक्ट जो है वो सत्ता से था उनका संरक्षण। वही लोग जो है मुख्यमंत्री जी के बगल में दिखाई दे रहे थे, और वो छोटी छोटी बच्चियां, आज तक मैं भूल नहीं पाई हूँ कि वो छोटी छोटी बच्चियां जो कहती थी कि बड़े तोंद वाले अंकल उनके यहाँ ले जाया जा रहा था, हमारा शारीरिक शोषण हो रहा था, सिगरेट के बट से जलाया जा रहे थे, नशीली दवाइयां खिलाई जा रही थी, आज भी सुनकर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक औरत होने के नाते, एक बेटी की माँ होने के नाते, किसी की बहन होने के नाते, तो ये मामला राजनीतिक नहीं हो सकता है। लेकिन निश्चित रूप से अगर इस तरह की चीजें हमारे सरकार, हमारे समाज में हो रही है, तो सरकार का संरक्षण उनको प्राप्त है, सत्ता का संरक्षण प्राप्त है। और यही कारण है कि इतने बड़े पैमाने पे जहां 200 लड़कियों को एक जगह रखा जा रहा है, उनको सेक्सुअली उनको हरास किया जा रहा है, उनको मोलेस्ट किया जा रहा है, जबरन उनसे ऐसे काम किया जा रहा, करवाया जा रहा है, उनके साथ मारपीट की घटनाएं की जा रही है, तो ये कहीं से भी हम नहीं मान सकते हैं कि ये किसी प्रशासन को नहीं पता होगा या उन्हें जानकारी नहीं होगी। लेकिन गहन और जांच का विषय, और आज जिस तरीके से बिहार में नीतीश कुमार जी का अब कोई टॉलरेंस नहीं बचा रहा, वो जो कहते थे ना कि नीतीश जी एकदम जीरो टॉलरेंस वाले व्यक्ति है, नहीं, उनकी जीरो टॉलरेंस तो खत्म हो गई है, समाप्त हो गई है। आज की मैं घटना बताऊं आपको, नालंदा में आरजेडी से जुड़ा हो, वो भले नेता हो, इस पर आप बिल्कुल, उस पर जो है मेरे साथ इत्तफाक रखेंगी, वो आरजेडी से जुड़ा हो, वो ज्योति जी चाहे कांग्रेस से जुड़ा हो, चाहे वो जेडीयू से जुड़ा हो, ज्योति जी वो चाहे कांग्रेस से ही जुड़ा हो, चाहे वो कहीं से जुड़ा हो, वो एक तो नेता नहीं हो सकता, इंसान नहीं हो सकता, वो कोई ना कोई हैवान ही होगा जो इस तरीके का काम कर रहा होगा, तो उसकी सजा तो जरूरी है ना, पहले मिल गई होती तो ये नहीं आता सामने। सचिन जी जी, चाहे वो मैं हूं, चाहे वो कोई और हो, और किसी पार्टी, किसी विचारधारा के तहत वो किसी राजनीतिक पार्टी में, यहां उसकी बात नहीं। सवाल क्या है, सवाल क्या है कि जब हम बिहार में इस तरह के अलार्मिंग बहुत से घटनाएं होती रहीं, मैं चूंकि बिहार के भागलपुर से आता हूं सचिन जी, और भागलपुर में एक सृजन घोटाला हुआ था, जो सारे प्रवक्ता वो जानते होंगे, और जो सृजन घोटाला में वहां केवल इकोनॉमिक ऑफेंस नहीं था, वहां इसी तरह की घटनाएं भी थी कि बच्चियों को किस तरह एक्सप्लॉइट करता था, किया जाता था, और ब्लैकमेल किया जाता था, और वो पदाधिकारियों और नेताओं के पास किया जाता था, ये ऑन रिकॉर्ड है।
ये मेरे मैं कोई अपनी कोई नई बात नहीं बता रहा हूँ। उसी तरह की घटना आपका मुजफ्फरपुर में एक और शेल्टर होम रेप केस हुआ, जिसमें कि अभी प्रवक्ता ने आरजी प्रवक्ता ने बताया आपको। तो ऐसे कितने, और केवल इतना ही बात नहीं है, आपको महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी आपको ऐलान किया कि महिलाओं के सुरक्षा के मामले में आपका बिहार चौथे स्थान पर है। तो आखिर सरकार क्यों नहीं जगती है, चाहे वो कोई हो, चाहे मैं रहूं सरकार में या कोई रहे, वो क्यों नहीं जग पाती है इस इन मामलों में? और क्यों इस तरह के बयान आते हैं कि जब इस तरह की घटनाएं हो जाती है तब वो बोलते हैं कि मैंने डीएम को सस्पेंड कर दिया, मैंने उसको पकड़ लिया, मैंने उसको अरेस्ट कर लिया। अरे इतने इतनी असंवेदनशील क्यों हो जाते हैं आप लोग, क्यों हो जाते हैं भाई? बिहार के इतने इतने लोग, 13-14 करोड़ लोग परेशान हैं आपके इस कुकर्म से, इस कुकर्म से परेशान हैं आपसे, आपके इस बयान से, आपके इस असंवेदनशील से, आपके इस पॉलिटिकल विल से कि आप बच्चियों के लिए कुछ कर नहीं सकते। आपको सचिन जी मैं बताऊं, मैं बताया कि भागलपुर वहां सिल्क के धागे बच्चियां सिल्क के धागे हाथ से जो है सो धागे बनाते हैं और कपड़े बनाते हैं तसर के। आपके मंजूषा पेंटिंग हाथ से बना बनाकर अपना जीविका चलाती हैं, मधुबनी पेंटिंग बना बनाकर अपनी जीविका चलाती हैं। आप दिल्ली के भी दिल्ली हाट में आप जाके देखेंगे, वहां भी पेंटिंग वो बच्चियां बना बना के बेचती हैं। वहां के बिहार की बच्चियां टॉपर यूपीएससी सिविल सर्विस, ऐसा कोई फील्ड नहीं है जहां बने। और आप इस निर्मल बात को एक हल्की सी बात में कर देते हैं कि मेरी सरकार उसको गिरफ्तार कर लिया और उसको मैं सस्पेंड कर लिया। क्यों ऐसा है? क्यों आपका ये मर जाता है? ये बहुत दुख की बात है, बहुत गुस्सा है मुझ में आज, बहुत गुस्सा है। अगर मैं भी किसी पार्टी से हूं और उसका भी कोई आदमी अगर है तो उसको जरूर से जरूर सजा मिले। सजा तो मैं तो कहता हूं उसे फांसी की सजा मिले, चाहे वो मेरे पार्टी का हो, चाहे वो किसी की पार्टी का हो। ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इस तरह के असंवेदनशील बयान भी नहीं बर्दाश्त किया जाएगा, चाहे मैं हूं चाहे कोई और हो। इसलिए सचिन जी इस बात को बहुत गंभीरता से सोचने की जरूरत है। बिल्कुल मैंने कहा ना मेधावी भाई, बिना सरकार की मिली भगत से तो हो नहीं सकता। और जिसने किया है शशांक शेखर, अब मैं आपको लाना चाहता हूं, वो शायद कानून भी जानता था कि कैसे ब्लैकमेल करना है और कैसे जो है फिर उसके बाद जो है, जैसे वो एक मॉडल सॉपरेंडी बनाई कि बड़ी सैलरी मोटी सैलरी, झांसा दिया, फिर एक को फंसाया, फिर उसके बाद हर एक के साथ अटैच था कि आप 50 और लेकर के आइए, मतलब तमाम चीजें। जी मेरा मानना है, नमस्कार, सबसे पहले तो ये बहुत ही दुखद घटना है। मुझे लगता है इस तरह की घटना चाहे आज बिहार के मुजफ्फरपुर से आ रही है या कल हमने पढ़ा था अजमेर में राजस्थान से आ रही थी, इस तरीके की जो भी घटनाएं हैं जहां पे महिलाओं और बालिकाओं के साथ इस तरीके का व्यभिचार किया जाता है, और वो भी कब किया जा रहा है? देखिए सोशल मीडिया के ज़माने में जब सब कुछ त्वरित है, हमारी न्यूज़ एजेंसियाँ हर जगह हैं, सोशल मीडिया है, उसके बाद भी अगर ऐसा हो रहा है तो कानून के विद्यार्थी होने के नाते मैं आपको कह सकता हूं कि ये बिना संरक्षण के संभव नहीं है। किस तरीके का संरक्षण है और क्या है ये तो मैं नहीं कह पाऊंगा, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि अगर इसमें जैसी बातें आ रही है कि एफआईआर करने में भी देरी की गई, जब पता चल गया एक बार, और अभी तो वहाँ के सीनियर ऑफिशियल्स पुलिस के ने भी इस बात को माना है, तो इस मामले की जो जांच है वो जैसे मुजफ्फर बालिका कांड के समय में सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हुआ था या सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हुआ था, वैसा ही एक न्यायी जांच होनी चाहिए। क्योंकि अगर पॉलिटिकल संरक्षण इसमें मिला हो तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें वो फुल प्रूफ जांच हो पाएगी और जो गुनहगार हैं अंत तक सबको सजा हो पाएगी। अभी मेरे से जस्ट पहले कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ पे बोल रहे थे और मैं कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मुझे उनका बयान तो काफी अच्छा लगा, वो जो कह रहे थे कि कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन ये वही कांग्रेस है जो आरजेडी के साथ अलायंस में थी, बिहार का ही मामला है, और आईएएस ऑफिसर थे, उनकी वाइफ थी चंपा विश्वास, 2 साल तक उनका रेप होता रहा, क्योंकि कांग्रेस और आरजेडी का संरक्षण था तो कोई एक्शन नहीं हो पाया, गवर्नर की चिट्ठी के बाद भी नहीं हो पाया। तो ये बिहार का अनफॉर्चुनेट फैक्ट है कि एक दिन जब हम नालंदा विश्वविद्यालय का पुनरुत्थान कर रहे हैं और वापस से उसे ज्ञान की नगरी की तरफ से देख रहे हैं, उसी समय में हम मुजफ्फरपुर की इस घटना के बारे में बात कर रहे हैं जहाँ पे इतने ज्यादा महिलाओं और बालिकाओं के साथ इस तरीके का अपराध हुआ है। मेरा मानना है कि इस मामले में कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को डेफिनेटली संज्ञान लेना चाहिए। अगर मेरे बूते में होगा तो मैं भी ये करूंगा और मैं कोर्ट जरूर जाऊंगा, क्योंकि ऐसे मामले ना सिर्फ उन 200 महिलाओं और बालिकाओं का है अपितु पूरे समाज के खिलाफ एक ऐसा आतंक है। सोचिए ऐसा राष्ट्र जहाँ की प्रथम व्यक्ति एक महिला है,
ऐसा राष्ट्र जहाँ पे हम देवी को माँ मानते हैं, ऐसा राष्ट्र जहाँ पे हम समाज एक फैमिली सिस्टम चलता है, वहाँ पे इस तरीके की घटना जिसमें न सिर्फ महिलाओं को का उपयोग किया गया बल्कि उसका इस तरीके से दुरुपयोग किया गया कि और भी महिलाएं उसमें फंसती चली गई हैं, तो ये स्कैंडल है, स्कैम है और मुझे लगता है इसका स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट इस पर कार्रवाई होनी चाहिए और जो जो सेक्शन इन्वॉल्व है वो करना चाहिए, जो जो कमीशन इन्वॉल्व है चाहे वो महिला कमीशन हो, बाल विकास मंत्रालय हो, सबको इन्वॉल्व होना चाहिए और कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। सुषमा जी, भले वो पहले आरजेडी जेडीयू या फिर अब जेडीयू बीजेपी, हालात तो नहीं बदले ना, तो आखिरकार ठीक है, ज्योति जी ने बहुत ही मैच्योर वाली बात की, वह सारिका जी भी कंसर्न है, लेकिन कैसे जब सरकार में वही व्यक्ति रहेंगे जो हैं, जिनके जिनके रहते हुए जो पहले मामला सामने आया था, तो फिर कैसे इंसाफ होगा? देखिए सचिन जी, सबसे बड़ी बात कि सरकार में वही व्यक्ति रहेंगे तो कैसे हालात बदलेंगे ये नहीं है सर। हमने पहले भी इस विषय पर आपको उल्लेख किया था कि जिस तरीके से समाज में आर्थिक संपन्नता आ रही है, हमारे हम अपने आप को उत्कृष्ट दिखाने का एक एक जद्दोजहद चल रहा है, उतना ही हमारा नैतिक पतन भी हो रहा है और नैतिक पतन होने के साथ साथ हम पैसों के पीछे इतनी आपाधमी में लग गए हैं कि बाई हुक बाई क्रुक हम किसी तरीके से सिर्फ पैसा कमा रहे हैं। आज जो स्थितियां हो गई है, हमारी बेटी सिर्फ हमारी है, दूसरे की बेटी को हम बेटी नहीं मान रहे, हमारा पैसा पैसा है, दूसरे का पैसा पैसा नहीं है, हमारा जान की हमारे जान की कीमत है, दूसरे जान के जान की कीमत नहीं है। हम बरसों से लगातार मैं इस क्षेत्र में रही हूँ, मेरा इस तरह का सामाजिक जीवन भी 26-27 साल से ऊपर हो गया, तो मैंने लंबे समय से ये सारी चीजें देखी हैं और बहुत व्यथित रहती हूँ क्योंकि आई एम अ सिंगल मदर, तो मैं इतनी कंसर्न रहती हूँ और आज तो कम से कम चलिए लड़कियों को एक उड़ान, एक उड़ने की और एक सपना देखने का एक मौका भी मिला। लेकिन समाज में आज भी ऐसे रावण, ऐसे राक्षस आज भी जिंदा है और किसी ना किसी कोने में आपको आज भी हर समय मिल जाएंगे। मतलब है कि ऐसे लोगों को दबाया कैसे जाए, ऐसे लोगों का फन कुचला कैसे जाए, और कुचलने के बाद जैसे जिस तरीके से आप बुरा ना माने, मैं न्यूज चैनल पर भी एक छोटा सा आरोप नहीं लगा रही हूं पर आपसे ये आग्रह कर रही हूं, जिस तरीके से ये घटनाएं घटती हैं, आप लगातार इस पर डिबेट कराते हैं, मैं पूछना चाहती हूं कि जिस दिन ऐसे लोगों को सजा होती है, आपको याद होगा कि जब गया में एक कांड हुआ था जिसमें माँ बेटी दोनों का, सरकार किनकी थी, आज जो लोग बैठे हुए हैं डिबेट में बैठे हुए, सरकार उनकी थी, मैं यहाँ सरकार पर भी नहीं जाती, माँ बेटी अपने पिता के साथ जा रही है, शादी से लौट रही थी और माँ बेटी का गैंग रेप होता है और गैंग रेप के बाद वो लड़की मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गई थी, विक्षिप्त हो गई थी। मैं उस केस को मैं देखने के लिए गई थी और मैंने उस केस में ऐसे ऐसे तथ्य का उजागर किया, आज वो सारे लोग, वो आज आजीवन कारावास, आज भी आजीवन कारावास उनको मिल चुका है। लेकिन मैंने एक चीज नोटिस किया कि जिस समय घटना घटी सारे चैनल वाले दौड़ गए, एक कीड़े से दौड़ गए वहां, लेकिन जब आजीवन कारावास हुआ तो किसी ने दिखाया नहीं। मैं आश्चर्य मैंने अचंभित रहती हूँ कि आश्चर्य से डूबी हूँ कि अगर इस तरह के विचारों को, इस तरह की घटनाओं का उद्भेदन अगर आप नहीं करेंगे कि जिन लोगों ने ऐसा कृत्य किया उसके बाद उन्हें आजीवन नहीं, हम एक चीज तो कहना चाहते हैं, ये जंग अगर शुरू की है तो आखिर तक लड़ेंगे, ये जंग अगर शुरू हुई है तो आखिर तक अंजाम तक पहुंचाएंगे, बीच में नहीं जाएंगे। ये आईटीवी का और ये क्या कहते हैं, इस शो का जो है, हम आज ये प्रॉमिस करते हैं और सारिका जी अंजाम तक पहुंचाएंगे, लगातार मैं डिबेट करूंगा, लगातार हम ये सवाल उठाएंगे। सारिका जी, नहीं नहीं बिल्कुल सचिन जी, देखिए हमारे पैनल में जितने भी लोग हैं इस विषय पे, मुझे लगता है कि सबकी अपनी संवेदना है और सब कहीं ना कहीं उनके अंदर वो गुस्सा भी है, आक्रोश भी है, इसलिए आज की घटनाओं को वो पिछले 15 साल पीछे भी लेके जा रहे हैं। लेकिन मैं आपके सचिन जी, आपके इस चैनल के माध्यम से बोलना चाहूंगी। नहीं नहीं सुषमा जी, मैंने आपकी बात सुनी और मैं पीछे जा रही हूँ, मैं कुछ साल पहले की बात बता रही हूँ। नहीं नहीं, मैं आपके विषय में नहीं बोल रही थी, मैं अपने जेडीयू के प्रवक्ता है यहाँ पे, वो भी कुछ बोल रहे थे, मैं उन पे जा रही थी। लेकिन जो भी हो, कोई भी हो, कोई भी अगर इसे पॉलिटिकल रंग देने की बात हो, मैं तो कह रही हूँ, मैं तो आपके एकदम खुलेआम कह रही हूँ, अगर अपराधी या इस तरह से कुकृत्य करने वाले व्यक्ति या समूह या ग्रुप या
जो इस तरह से चला रहे हैं वो किसी का भी मैं समर्थन नहीं करती हूँ पर्सनली रूप पे, बींग एक लेडी होने के नाते, बींग एक माँ बहन बेटी होने के नाते मैं कहीं से भी कभी भी समर्थन नहीं कर सकती हूँ। और मैं इसे कोई पॉलिटिकल एंगल नहीं देना चाहती हूँ। अगर मैं गिनाऊं अगर अभी जैसे आज की मैं आपको घटना बताऊं तो वैशाली जिला में एक माँ और बेटी को जो कि एक छेड़खानी के लिए वो विरोध कर रही थी जिसके चलते उनको बुरी तरीके से पीटा गया, और ये आज की घटना है। मेरे पास वो वीडियो क्लिप्स हुई है, आप अगर चाहेंगे सचिन जी तो मैं आपको दिखा दूंगी कि क्या स्थिति है। आज की घटना है कि नालंदा में प्रधानमंत्री जी वहां से निकले हैं और एक हेडमास्टर को गोली से मार दी गई। लॉ एंड ऑर्डर का विषय हो सकता है, लेकिन इस लॉ एंड ऑर्डर के विषय में सबसे ज्यादा लगातार लड़कियों को, महिलाओं को टारगेट किया जा रहा है इस बिहार में। और मुजफ्फरपुर बालिका गृह के कांड के बाद ये जो नया एक मुजफ्फरपुर में कांड का आज उजागर हुआ है, मैं इसलिए व्यथित हूँ क्योंकि वहां भी बहुत सारी लड़कियों के साथ शोषण हुआ था, और वो बच्चियां जो है वो छोटी छोटी बच्चियां थी जिनका कोई परिवार नहीं था, वो शेल्टर होम में उन्होंने शायद घर पे भी नहीं बताया होगा। मैम शायद घर पे भी नहीं बताया होगा, शेयर नहीं किया होगा, बाहर तो बताना छोड़िए, पुलिस में तो जाना छोड़िए। पुलिस की तो बात देखिए, जिस तरीके से पुलिस जो है, पुलिस के संज्ञान में जब ये बात आई तो उन्होंने एफआईआर तक दर्ज नहीं किया, उन्होंने कहा कि जाओ कोर्ट में जाओ। मतलब वो जान रहे हैं कि एक महिला है, एक बच्ची है, एक लड़की है, तो हम अभी यही खारिज कर देते हैं कि वो पस्त हो जाएगी, वो कोर्ट तक तो वो पहुंच भी नहीं पाएगी, क्योंकि वो जान रहे हैं कि ऐसे मामले जो होते हैं इसे हमें ऐसे ही रफा दफा करना है। तो पुलिस की संलिप्तता तो वही दिखाई दे रही है, फर्स्ट स्टेप में ही दिखाई दे रही है। उसके बाद भी उस बच्ची ने हिम्मत की कि वो अपने सोशल मीडिया के माध्यम से वो उसने इस बात का उजागर किया, तो आज हम लोग इस विषय पर डिबेट कर रहे हैं। लेकिन आप अंदाजा लगाइए सचिन जी, ये एक दिन का मामला नहीं है, ये विषय ऐसा नहीं है कि कल हुआ है और आज ये उजागर हुआ है। कई सालों से, 2-3 सालों से ये वहां पे चीजें चल रही थी, ये स्कैंडल चल रहा था, बड़े पैमाने पे, वृहद पैमाने पे हो रहा था, किसके संरक्षण में हो रहा था, कौन लोगों की संलिप्तता थी, कौन बड़े लोग थे उसके पीछे जो उन लोगों को सपोर्ट कर रहे थे पीछे से, ये तो जांच का विषय है। लेकिन जांच कौन लोग करेंगे, कहीं सत्ता में जिनकी संलिप्तता है, ठीक है उसमें जाना नहीं चाहता था, लेकिन मैम जांच बाद में होगी। पहले ही कह दिया कि भैया जो है ये सरकार जो है इसमें संलिप्त है, पहले ही कह दिया कि देखिए बिहार में जो है लड़कियों के रहने लायक नहीं है। ये वही थी ना जो पहले सरकार चला रही थी, सारिका जी आपकी पार्टी की सरकार थी ना पहले था जब हुआ था, तो अब नहीं है। सचिन जी, ये पॉलिटिकल कमेंट नहीं होता मैम, ये पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म नहीं है क्या? शशांक जी कुछ कहना चाहते हैं जी। वही बात कहना चाह रहा हूँ जो आपने अभी उठाई, चाहे वो कांग्रेस के ज्योति जी हो या आरजेडी के प्रवक्ता हो, ये पूरी तरीके से इसको पॉलिटिकल करने की कोशिश की जा रही है। मेरा मानना है कि अगर महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ है उस पर कोई भी उसके जांच में कोताही नहीं होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। लेकिन आप इसको क्या पॉलिटिकल एंगल बना रहे हैं, महिलाओं की इस तरीके की बातें कर रहे हैं कि भाई ये इन्वॉल्व है, वो इन्वॉल्व है, ऐसा हो। अरे भाई हमने देखा है कि किस तरीके से संरक्षण लालू यादव के समय में होता था इस तरीके के मामले, तो ऐसा नहीं हो रहा है। एक सेकंड मैडम, एक सेकंड, आज के डेट में अगर ये बात उजागर के सामने आ रही है तो मतलब है कि पुलिस के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। आप गलत बातें कर रही हैं। इस तरीके की बातें 1995 से 2005 के बीच लालू यादव के समय होती थी, जब लालू यादव और कांग्रेस पार्टी साथ। आज के डेट में अगर इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं तो मेरा मानना है कि पुलिस ने अगर एफआईआर करने में कोताही की तो एक्शन लेकिन इस तरीके के एलिगेशन, क्योंकि सरकार नहीं है, आप इस तरीके के एलिगेशन नहीं लगा सकते। देखिए मेरा मानना है कि इस देश को आगे बढ़ना चाहिए और महिलाओं का सम्मान भी जरूरी है, लेकिन महिलाओं के सम्मान में क्या अगर कोई कोताही आई है तो इस तरीके का अनर्गल बयान लगाकर आप उसको धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं। अरे आपने वो सरकार चलाई है जब एक सिटिंग आईएएस ऑफिसर की वाइफ, माँ और उनके मेड के साथ 2 साल तक रेप होता रहा और आपकी सरकार कुछ नहीं की, गवर्नर की चिट्ठी के बाद भी कुछ नहीं की गई, तो आप क्या बयान दे रहे हैं? आपको तो शर्म आनी चाहिए कि आप आज के समय में जब महिलाओं के साथ इतना बड़ा आपराधिक कांड हुआ है और उसके ऊपर एलिगेशंस लगे तो आप इस तरीके की बात कर रहे हैं। आप अपोजिशन में थे, आपने क्यों नहीं उनकी बात उठाई? आज जब मैटर मीडिया के सामने आया है, न्यूज एक्स जैसे चैनल्स के बारे में बात कर रहे हैं तो आप पॉलिटिकल एंगल लगा रहे हैं। अरे आज कम से कम आज तो छोड़ दीजिए पॉलिटिक्स, मामलों में भी आप पॉलिटिक्स करेंगे। देखिए पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए। शशांक जी को बेटियों और बहनों की कितनी चिंता है,
ये इनकी बातों से समझ में आ रहा है कि देखो भाई जो पिछले बार हुआ था 15 सालों में अगर अभी हो जा रहा है तो कोई बात नहीं है क्योंकि आप तात्पर्य बिल्कुल यही है कि अगर 15 साल बलात्कार हुआ है तो लड़कियों पर बलात्कार हो जा रहा है तो वो एक महिला हो के आप महिलाओं के मामले में इस तरीके का पॉलिटिशियन वाला बर्ताव कर रहे हो सही नहीं है। इसको ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड से देखना चाहिए, देखना चाहिए कैसे महिलाओं के खिलाफ जो अत्याचार हुआ है उसका हम बदला ले पाए, ना कि हम उसका अपने पॉलिटिकल गुल खिला पाए। एकदम गलत बात है। आपकी भी बेटी होगी, बहन होगी, माँ होगी, अगर आप यही धारणा रखते हैं आप मेरे पर्सनल अटैक मत करिए। तुम्हें जी एकदम गलत बात है, क्या कर रही है महिलाओं की लिमिट क्रॉस कर रही है। मैं महिलाओं की खाता कर रहा हूँ, ये मेरे फैमिली के बारे में बात क्यों कर रही है? आप पॉलिटिक्स करना शुरू की है, आपको लज्जा नहीं आती है? अगर ये भाव आपको लज्जा नहीं आ रही क्या पॉलिटिक्स कर रही है महिलाओं के मामले में? महिलाओं की इस लड़की की बात कर रही है और मेरे परिवार को जा रही है आप? एकदम गलत है, एकदम न्यायती गलत है। क्या आपको राजनीति करने के लिए यह आखिरी मुद्दा मिला? क्या बिहार में राजनीति के और मुद्दे रखे हैं? क्या आप महिलाओं के मामले में राजनीति कर रही है? महिलाओं के मुद्दे पर राजनीति बंद होनी चाहिए, आप गलत कर रही हैं। आपके जैसे लोगों ने निर्भया कांड में भी राजनीति की थी और आज भी वो राजनीति कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर की घटना इस देश के आत्मा के विरुद्ध है, उस पर आप जो राजनीति कर रहे हैं गलत है। जो भी जिसकी भी इसमें संलिप्तता है उसके पर जांच होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन आप जो कर रही है गलत है। जब लालू यादव का शासन था, जब ये इल्जाम लगे थे, तब नहीं थी संवेदना? नहीं, ठीक है, दोनों को शांत कराएंगे। हाँ ठीक है, आप बोलिए सुषमा जी, बोलिए। हाँ, फिर उसके बाद ज्योति जी। हाँ, बापरे, ये पर्सनल अटैक नहीं होना चाहिए। मुझे शर्म आ रही है कि मैं इस चैनल पे बैठी हूँ और इस तरह का इस तरह की बातें हो रही हैं। और इन्होंने इंसाफ दिलवाना है, ये आवाज उठा रहे हैं सबसे पहले। अब ये देखिए कैसे हिपोक्रेसी होती, लोग ये भी देखते होंगे। मुझे शर्म आ रही है सचिन जी, मैं यहाँ बैठी हूँ, मैं आपसे बिना इजाजत के उठ नहीं सकती थी, वरना मैं लीव कर जाती है मीटिंग को। मुझे शर्म आ रही है, मैं एक औरत हूँ। और सारिका जी, आप बोलने का ये अधिकार, आप जिस तरीके से चिल्ला करके सिर्फ बातों को ढकने का प्रयास करती है, सारिका जी पहले तथ्यों पर जाइए। सारिका जी उस वक्त वो नहीं बोली, ना वो किसी पार्टी से। सारिका जी अगर आप इंसाफ की बात करती है तो सुनिए, आप सुनना पड़ेगा। सारिका जी को म्यूट करिए, नहीं तो मैं नहीं बोलूंगी। सारिका जी हर व्यक्ति के बीच में अपना ओपिनियन दे रही है। आप भाजपा शासित राज्यों पर लगाइए या जदयू शासित राज्यों पर लगाइए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है आपको, जो क्योंकि आप एक प्रवक्ता हैं और प्रवक्ता के ही तौर पर आप यहाँ बैठी हैं। लेकिन मैं कहना चाहती हूँ कि अरे बहन जी, कभी तो बहन बन करके बेटी बन करके बैठिए। आपके समय में क्या हुआ, किसके समय में क्या हुआ? अभी आप कह रही हैं कि 2.5 साल पहले से वहां घटना घट रही है, तो 2.5 साल पहले कौन था यहाँ? 2.5 साल पहले कौन था यहाँ? अब देखिए, ऐसे प्रश्नों का जवाब मत मांगिए। आप कहिए सारिका जी, नहीं आप कहिए कि मैं इस तरह के मुहिम में आपके साथ हूँ, इस तरह के मुहिम में हमेशा मैं आपके साथ हूँ, चाहे उसमें किसी तरह का कोई भी दखल क्यों ना हो। आपकी जैसी महिला जो है इस पद पे बैठ करके किसी पार्टी और किसी पॉलिटिकल को आप सपोर्ट करिए तो मुझे शर्म आती है इस बात को कहते हुए। अरे आपको बहुत चीज पे शर्म करनी चाहिए, आपको बहुत चीज के लिए शर्म आनी चाहिए। और सचिन जी, इनको आप न्यूज में करेंगे तो सारा कुछ भी नहीं कह पाऊंगी। मैम ऐसा है, एक सेकंड, सुषमा जी, अगर मैंने म्यूट कर दिया ना तो शायद जनता को पता ही नहीं लगेगा इंसाफ
दिलवाने की बात शुरू करते करते कैसे राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही थी। बहुत आसान है म्यूट करना, बहुत आसान है म्यूट करना। मैं एक मिनट सचिन जी, मैं बहुत विनम्रता के साथ कहती हूँ, यहाँ पांचों लोग जो बैठे हुए हैं वो सिर्फ ये कहें कि मैं ये आज ये संकल्प लेता हूँ या लेती हूँ कि किसी भी व्यक्ति, चाहे वो किसी दल विशेष से हो, किसी जाति विशेष से हो, चाहे किसी धर्म विशेष से हो, जो भी व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व होगा, मैं उसके खिलाफ खड़ी रहूंगी या खड़ा रहूंगा। ये यहाँ होना चाहिए, ना कि इसके समय ये हुआ उसके समय ये हुआ। देखिए घटनाएं अगर हम उजागर करने चले तो किसी को शब्द नहीं मिल पाएंगे, शब्दों निशब्द हो जाएंगे, क्योंकि आज जो बड़ी बड़ी बातें फेंकने वाले, बड़ी बड़ी बातें कहने वाले, उनके पास तो शब्द है, यही बहुत बड़ी बात है। लेकिन बीती बाती बिसाड़िए, जिस समय हम पॉलिटिकल फ्रंट पर आएंगे उस समय हम आपसे प्रश्न उत्तर करेंगे। लेकिन आज एक महिला की अस्मिता की बात है, एक औरत की इज्जत की बात है, ये उसके अपने स्वाधिकार की बात है, ये उसके आत्मविश्वास की बात है, और सबसे बड़ी बात, वो नौकरी करने निकली थी। लेकिन समाज में एक बहुत बड़ा प्रश्न पौंद रहा है, लालच, पैसे की लालच, पैसे की जरूरत, पैसे की अंधापन। जब लड़की को, मैं एक बार कहना चाहती हूँ, लड़की को ना एक सिक्स सेंस होता है, हम सामने वाले की आंखों में पहले पढ़ लेते हैं कि वो हमें किस दृष्टि से देख रहा है। उसका पहला स्पर्श हम बता सकते हैं कि उसके छूने का अंदाज क्या है, वो किस भाव से, या वो पिता की स्पर्श को अच्छी तरह दिखा रहा है, या भाई है, या हमारा फ्रेंड है, या हमारा पति है, या फिर एक कोई बाहरी आदमी जो उसकी नीयत खराब है। तो ये एक महिला बेहतर तरीके से जानती है। लेकिन वो बच्चियां शादी के लालच में 3 बार गर्भपात होना, आज तक उन बच्चियों ने आवाज क्यों नहीं उठाई, ये प्रश्न उन बच्चियों से भी करना पड़ेगा कि हम अगर 20,000 की लालच दी गई और 1 महीने क्या काम कराया गया, ये पहला प्रश्न था। हम पहले ही महीने में हमने आवाज क्यों नहीं उठाई, हम ये कहने पर कि 50 लड़कियों को लाओगे तो 50,000 दिया जाएगा, ये बहुत बड़ी बात है कि हम उन 50 लड़कियों का जीवन हम इतनी हिम्मत कहाँ होती सुषमा जी, सुषमा जी इतनी हिम्मत कहाँ होती, मतलब इतनी हिम्मत कहाँ होगी ना उसमें, इतनी हिम्मत रही होगी आवाज कौन सुषमा जी की संगठन से जुड़ी हुई है और इस तरह की वो बातें कर रही है कि पहले ही दिन क्यों नहीं आपने अपराध के खिलाफ आपने आवाज उठाई, पहले दिन नहीं होता है, नहीं कितनी बुरी बातें हैं, कितनी गलत बातें कर रही हैं। फिर तो अपराध हो ही ना मैम, सुषमा जी फिर तो अपराध हो ही ना भाई, अगर हाँ जी फिर तो अपराध हो ही ना, अगर आप उन्हें दोष दे देंगी जिनके साथ हुआ है, फिर तो हो ही ना अपराध। शशांक शेखर फिर उसके बाद ज्योति जी, और क्या वो बात तो वही होगी कि उन्होंने आवाज क्यों नहीं उठाई। ये बच्चियों को सचेत करने के लिए मतलब कितना कोई गलत बोल सकता है। मतलब ये व्यक्ति वाली बात हुई कि बच्चियों के साथ रेप होता है तो पूछा जाता है कि आपने वो कपड़े क्यों पहने, या जब निर्भया के साथ रेप हुआ था तो पूछा गया कि तुम रात में 12 बजे क्यों घूम रही थी। ये वैसी वाली बात है कि आज पूछा जा रहा है आपके शो पर निर्लज्जतापूर्ण तरीके से कि वो महिलाएं और बच्चियां जिनके साथ ये कांड हुआ है उन्होंने पहले महीने या पहले दिन क्यों नहीं बोला। अरे आप कैसी महिलाएं हैं और आप ऐसे कैसे बात कर सकती हैं, आप समझिए कितनी पीड़ा और कितने मुश्किलों के बाद आज वो पुलिस के सामने आई है, और जब पुलिस के सामने आई थी उसने एफआईआर नहीं लिखा, वो अपने आप में एक दंडनीय अपराध है। और आज जब ये मामला सामने आया है तो आपके जैसे लोग, आप ही के जैसे लोग कारण है कि महिलाएं आगे नहीं आ पाती हैं, क्योंकि आप महिलाओं पर ही आरोप लगा देती है। आपको आपको शर्म आनी चाहिए कि आप इस तरीके की बातें कर रही है, एक महिला होते हुए आप महिलाओं के पीड़ा को समझ नहीं पा रही है। आज जितने मुश्किल से वो महिलाएं बच्ची सामने आके जिस तरीके से फाइल किया है, आप समझ लो कितने मुश्किल से, कितने परेशानी से, कितने दर्द से। मैम उस पर गुजरी क्या होगी, क्या उसकी ऐसी मानसिकता रही होगी ज्योति जी, ऐसी मानसिकता रही होगी आप यहाँ पर जो है बताइए मुझे कि बच्ची को कसूर कर दे, ये सचेत करना हुआ या डराना हुआ, मुझे बताइए। नहीं नहीं, ये दुर्भाग्यपूर्ण स्टेटमेंट है, ये दुर्भाग्यपूर्ण स्टेटमेंट है, इस तरह का स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए। आप अगर उनसे सवाल करेंगे, आपको अभी हिम्मत, हमें और आपको हिम्मत देने की जरूरत है, और आगे आने जो भी बच्चियां अभी बड़ी हो रही हैं या और बड़ी हो चुकी हैं उनको और ताकत देने की जरूरत है कि समाज के हर वर्ग, चाहे वो पत्रकार हैं, चाहे नेता हैं, लेखक हैं, कारीगर हैं, ब्यूरोक्रेट हैं,
तब उनके साथ रहेंगे इस तरह के किसी भी जालिम लोगों से लड़ने के लिए। लेकिन मैं सचिन जी कुछ और बात करना चाहता हूं, क्योंकि सारी बातों को तो आपने कवर कर लिया है, एक एक घटना का भी मैं जिक्र करूंगा। और चूंकि कांग्रेस प्रवक्ता के नाते और एज ए इंडिविजुअल ऑल्सो मैंने आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन माई व्यूज कि इसमें कोई भी संलिप्त हो, मैं हूं, कोई हो, उसको सजा हो, मैं तो कहता हूं फांसी की सजा हो। लेकिन सचिन जी, मैं जो मेरी जो शंका है इस पूरे डिबेट में जो आनी चाहिए बात, अभी कल परसों नीतीश कुमार जी 1.99 लाख नौकरी का उन्होंने ऐलान किया है। मेरा जो शंका है, और मैं सरकार से, और चूंकि अभी सरकार में नीतीश कुमार हैं, चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार हैं, तो मैं नीतीश कुमार जी से ये आश्वासन चाहूंगा कि बिहार के महिलाओं को, बच्चियों को, बच्चों को ये आश्वासन दें कि वहां कोई दलाल ऐसा ना पैदा हो जाए जो बच्चों को एक्सप्लॉइट करे। बिल्कुल, बिल्कुल, ये तो 50-25 नौकरियों की बात हो रही है ना, 25-50, वहां तो 1.99 लाख, और वो नौकरी कौन ऐलान कर रहा है? एक राजनीतिक पार्टी और एक सरकार ऐलान कर रही है, और सरकार के साथ राजनीतिक, हमारे जैसे राजनीतिक लोग जुड़े हुए हैं। तो क्या सरकार वहां दलाल नहीं आने देंगे? क्या इसकी गारंटी नीतीश कुमार दे पाएंगे? क्या नीतीश कुमार ये आश्वासन, हौसला दे पाएंगे कि नहीं, तुम लोग को आना है और 1.99 तुम्हारे मेरिट पर मिलेगा, तुम्हारे साथ कोई गलत नहीं होगा, तुम्हारे साथ कोई गलत बात नहीं होगा, कोई ब्राइब नहीं होगा? इसकी आज बहुत बड़ी जरूरत है, जिस तरह का आज ये जिस कंपनी का आप नाम ले रहे हैं, और ये कंपनी तो बहुत दिनों से चल रहा था, ये एक साल से बच्चियां कंप्लेन भी कर रही थी। और ये जहां तक जो भी पार्टी के प्रवक्ता जो मुझे भी सवाल उठा रहे थे, एक बात मैं कह देना चाहता हूं, क्योंकि आज आप सरकार में हैं तो सवाल आपसे ही पूछा जाएगा। नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर पहले भी थी, 15-20 साल से हैं, चाहे कांग्रेस आ गया, चाहे आरजेडी आ गया, लेकिन चीफ मिनिस्टर वही थे, लेकिन अभी भी वही हैं, तो सवाल भी हम सवाल से सवाल बनता है, सवाल बनता है, और आने वाले वक्त में ही सवाल उनसे बनेगा, एक चाहे एक केस हो, चाहे 100 हो, चाहे 200 ऐसे केस हो। और यही सवाल सारिका जी, यही जवाबदेही होती है उस पार्टी की, जो पार्टी सरकार में होती, वो भले आरजेडी क्यों ना हो। नहीं नहीं बिल्कुल सचिन जी, मैं तो इस बात से अग्री करती हूँ, और मैंने इस बात को आपको पहले ही कहा, चाहे सरकार किसी की भी रही हो, चाहे अपराधी किसी की भी संलिप्तता किसी पार्टी से रही हो, मैं उसका खंडन करती हूँ। अगर हमारी पार्टी से भी जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति हो और अगर इस तरह के अपराध में उसकी संलिप्तता पाई जाती हो, तो मैं सबसे पहले उसके विरोध में खड़ी रहूंगी। मैं भूल जाऊंगी कि मैं किस पार्टी को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, क्योंकि इस तरह के मामले जो होते हैं ना, वो किसी पार्टी किसी पद और किसी चीज में उससे ऊपर होता है, ये तो संवेदना का विषय होता है। और देखिए, अभी हमारी सुषमा मैडम बोल रही थी बच्चियों के, हो सकता है उनका भाव कुछ और रहा हो, लेकिन मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूंगी सचिन जी, कि कुछ समय पहले, अगर साल हम चले जाए, अगर पीछे चले जाए, बहुत लंबे समय के बाद महिलाओं को और बच्चियों को घर से बाहर निकल करके अपने भविष्य के बारे में सोचने का मौका मिला। और ऐसी कई घटनाएं होती थी कि बच्चियां जब बाहर निकलती थी तो उनको छेड़खानी जैसे मामले उनको झेलने पड़ते थे, वो बच्चियां डर से अपने घर में तक नहीं आके बोला करती थी, और अगर कभी बोल भी देती थी तो घर की फैमिली भी इतनी कंजर्वेटिव होती थी कि बच्चियों को कोचिंग जाना बंद करवा देते थे, उन्हें दूसरे अगर गाँव और शहर में उनके कॉलेज है तो कॉलेज जाना बंद कर दिया जाता था। आज माहौल बदला है, आज बच्चियां जो है स्वतंत्रता से निकल रही हैं, दूर जा रही हैं, पूरे देश भर में नहीं, विदेशों में भी जाके अपनी पढ़ाई और शिक्षा को ग्रहण कर रही है, उच्च शिक्षा को प्राप्त कर रही है। और इसके जिस तरीके की घटना आज हम जिस विषय पे आज हम लोग मुजफ्फरपुर के विषय पे आज बैठ करके डिस्कशन कर रहे हैं, अफसोसजनक है, दुखद है, और संलिप्तता उसके पीछे किसी की भी हो, हम तो मांग ये करते हैं कि उन्हें कठोरतम सजा होनी चाहिए, ताकि भविष्य में अगर कुछ और लोग भी हैं जो इस तरह के उन्होंने मंत्रियों पे पाल रखे हैं, ठीक है, जाहिर सी बात है, मैं चाहता ये था कि हम इसी नोट के साथ ही वाइंड अप करें कि कम से कम बच्चियों के लिए इंसाफ की जो है उसके ऊपर एक यूनानिमिटी हो। लास्ट कमेंट सुषमा जी आपका। सचिन जी, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा। हाँ, बोलिए बोलिए। मैं चाहती हूँ कि लड़कियां बहुत सजग हो, अब लड़कियां पढ़ लिख रही हैं, वो उनको अपने अधिकारों के विषय में जानकारी है, तो वो अब अपने पूरे हमारा जो छठा इंद्रिय है उसको बिल्कुल त्वरित गति में रखें, और जब वो बाहर निकले बिल्कुल ये समझें। और हमने कल भी बताया था कि अपने परिवार को हमेशा गुड फेथ में लेकर के चले, क्योंकि परिवार एक ऐसा जगह है जहाँ पर हम दुख दर्द के साथ साथ सुख भी बांटते हैं। तो अगर बच्चियां अपने माता पिता के साथ जुड़ी रहेंगी, और अगर किसी तरह भगवान ना करे, क्योंकि इस तरह के राक्षस को आप एक बार में समाप्त नहीं कर सकते, चाहे कोई भी युग आ जाए,
ये राक्षस किसी ना किसी कोने में आपको सुबगहट के साथ मिलते नजर आ जाएंगे। लेकिन इनके पन को कुचलना है और पन के कुचलने के साथ जाहिर सी बात है ये किसी पार्टी के नहीं हो सकते। कार्रवाई हो ना, कि दोबारा ये सर उठा ये नहीं होता कि ये किसी पार्टी के। जी शशांक जी, हाँ शशांक ठीक है, लास्ट कमेंट शशांक। दो बातें और मैं खत्म करूंगा। पहली बात, काफी शर्मनाक है कि आपके शो पे एक महिला ये कह रही है कि महिलाओं से प्रश्न पूछना चाहिए या महिलाओं को सजग रहना चाहिए या महिलाओं तो हो गई ना, दोबारा इसी को रिपीट क्यों करना, गलत बात है। और दूसरी बात कि अब ये जो घटना हुई है, जो बात सामने आई है, और मैं आपके चैनल से भी अपील करना चाहता हूँ कि अगर कोई महिला, कोई इसमें जो स्त्री है जिनके साथ ये कांड हुआ है, कोई बच्ची, अगर वो कोर्ट जाना चाहती है न्यायिक जांच के लिए, बिल्कुल संपर्क कर सकते हैं आपके चैनल के माध्यम से मुझे। मैं मुफ्त में ही ये करूंगा, लेकिन इसके ऊपर प्रॉपर न्यायिक जांच होनी चाहिए, इसमें कोई कोताही नहीं है। बहुत अच्छी बात है कि कोई अगर कोई पीड़ित है, वो पीड़ित के जो घर वाले हैं वो हमारा ये देख रहे हैं शो, तो हमारा पर्पस इसी से कम सॉल्व हो सकता है। वरना आप शशांक का जो है ये नंबर, ये वीडियो जो है वो आप दे सकते हैं, शशांक से संपर्क कर सकते हैं। शशांक जो है मदद के लिए, लीगल मदद के लिए बिल्कुल यहाँ पर तैयार बैठे हैं, जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। आतंकी निर्जर पर कनाडा के संसद में एक मिनट के मौन के बाद